हेलो, माय नेम इज़ पंकज। हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग से मोबाइल ऐप बनाना। इस सीरीज में 10th वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो आ चुकी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज हमें सिंपल स्क्रीन बनानी है जिसमें हम इमेज को स्क्रॉल करके दिखाना है, नीचे उसका इंडिकेटर भी शो करना है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी ये स्क्रीन मैंने बना चुका हूँ, लेकिन हम इसे एकदम स्क्रैच से बनाएंगे। तो हमारा ऐप जो स्टार्ट होता होता है वाइड मेन से, और वाइड मेन में रन हो रहा है माई ऐप क्लास, और माई ऐप क्लास में जो होम होता है ये वो पार्ट है जहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। होम में जो क्लास रन हो रही है वो स्लाइडर ऐप क्लास है। स्लाइडर ऐप क्लास ये वाली क्लास है जो कि हमारा पूरा डिजाइन ये वाला बना रही है। ठीक है, अब हम एक नई क्लास बना लेते हैं। नई क्लास बनाने के हम लिखते हैं STF, इसका नाम रख देते हैं स्लाइडर ऐप। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर देते हैं स्लाइडर ऐप की जगह। हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे अभी एकदम ब्लैंक है, क्योंकि स्लाइडर ऐप 2 में जो डिजाइन बन रहा है यह डिजाइन बनता है विजिट बिल्ड मेथड से, और विजिट बिल्ड मेथड में रिटर्न हो रहा है सिर्फ प्लेस होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसे हटा के लिखना है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या करता है, मोबाइल का बैकग्राउंड थीम देता है। और स्कैफोल्ड में होता है ऐप बार। ऐप बार का मतलब हेडिंग बार को ऐप बार बोलते हैं। ऐप बार, ऐप बार लेता है हमारा टाइटल, और टाइटल में हम दे देंगे टेक्स्ट बार। ठीक है, आप इसे रन करोगे देखोगे तो ऊपर हमारा जो है ये स्लाइड बार हेडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे ले दी ना बॉडी। बॉडी का मतलब है ऐप बार के अलावा जो भी हमारी स्पेस बचता है वो पूरी बॉडी ही कहलाती है। बॉडी में हम ले सकते हैं कंटेनर, और कंटेनर का हम कलर दे देते हैं कलर .t। ठीक है, आप देखो इस तरह से हम इसे कलर दे सकते हैं। हम इसका जो ऐप बार है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर देते हैं तो ये देते हैं कलर डीप पर्पल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे, ठीक है, हम चाहते हैं इसका स्लाइड बार सेंटर में जाए तो इसे सेंटर से रैप कर दीजिए, तो ये हमारा जो ऐप बार का हेडिंग है वो सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हमें दिखानी है कि हम इमेज को किस तरह से फ्लैटर में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सेंटर के अंदर चाइल्ड में विजिट इमेज डॉट नेटवर्क। ठीक, हम यहाँ पे कोई भी इमेज दे देंगे तो वो इमेज को यहाँ फैच कर देंगे। हम एक इमेज ले लेते हैं, मान ली ये इमेज है, तो इसका ये URL हम जो है कॉपी कर लेते हैं, और ये वाला URL हम पेस्ट कर देते हैं इमेज डॉट नेटवर्क के अंदर। तो ये इस इमेज को यहाँ डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से इमेज को प्ले करा देगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है वो सेंटर में आ जाए भी क्या टॉप। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जो विजय हमारी ये वाली विजय है इमेज जो नेटवर्क, इसे हम रैप कर देंगे सेंटर से। ठीक है, तो ये इमेज को हमारी जो है इस तरह से सेंटर में शो करने लगेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं इमेज के चारों तरफ पैडिंग भी आ जाए। पैडिंग का मतलब है कि स्पेस आ जाए। इस तरह से हम यहाँ से पैडिंग दे देंगे तो आप देखें कि ये चार तरफ से सर से किस केस में आ जाएगा। फिर बढ़ा देते हैं और इस केस को कर देता हूँ कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इमेज डिस्प्ले हो जाता है। अब हमें बहुत सारी इमेज लेनी है, हमें स्लाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बहुत सारी इमेज के यूआरएल ले लेंगे जो कि मेरे पास पहले से ही है नीचे वाली क्लास में। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो ये मैं ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, और ये हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमने यहाँ एक लिस्ट ले ली। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नाम है लिस्ट, और लिस्ट का नाम है फूड लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो आइटम है वो इस तरह से हैं 1 2 3 4। ये 4 आइटम हमारे लिस्ट के अंदर है। ठीक है, और लिस्ट के अंदर जो आइटम होते हैं उसका क्या टाइप है, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, हम कोई सा भी एक एलिमेंट ले सकते हैं, इधर शो कर सकते हैं। आप देखोगे जो मैंने URL लिया था, अगर मैं इस URL को डिलीट कर दूँ, ये काफ़ी लंबा है, हाँ इस तरह से मैं इसे डिलीट कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ इस तरह से दे सकता हूँ कि जो हमारी फूड लिस्ट है यहाँ इसे कॉपी कर सकता हूँ। अगर मैं दूंगा फूड लिस्ट 0, इसका मतलब है फूड लिस्ट के जो 0 का मतलब यहाँ जो लिस्ट है इसका इंडेक्स होता है पहला एलिमेंट 0 1 2 3, इस तरह से एलिमेंट होते हैं। तो 0 का मतलब पहला वाला इमेज उसमें शो करेगा। ठीक है, और 1 ले लूंगा तो इसका मतलब है ये हमारा दूसरा एलिमेंट शो करेगा। और यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, इसका मतलब है कि ये इसका
थर्ड एलिमेंट शो करेगा। और मैं कोई ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो कि इसमें नहीं है तो फिर वो उसमें एरर दे देगा। मान लीजिए मैं 4 ले लेता हूँ तो अब ये क्या है कि ये अब एरर शो करने लगा, इसका मतलब है कि वो नहीं मिल पा रहा होगा। ठीक है, तो इसे हम दोबारा से 0 कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बारी बारी से सभी एलिमेंट हमें लेने हैं स्क्रॉलर में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज व्यू बिल्डर का। तो पेज व्यू बिल्डर कैसा काम करता है, उसके लिए जो हमारा विजिट है इमेज डॉट नेटवर्क पैडिंग, ये पूरा हम यहाँ से हटा देते हैं, ये कट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर भी है, सेंटर को रखते हैं, सेंटर के अंदर हम ले लेंगे पेज व्यू बिल्डर। पेज व्यू बिल्डर क्या काम करता है, पेज व्यू बिल्डर हमारा बहुत सारे आइटमों को बनाता है। ठीक है, अब पेज व्यू बिल्डर में आइटम इंडेक्स, आइटम इंडेक्स क्या होता है, आइटम इंडेक्स में दिया जाता है कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, और यहां से रिटर्न होती है एक विजिट जो कि हमने कॉपी करी थी, रिटर्न कर देंगे विजिट। तो आप इस तरह से तो आप देखोगे कि अभी जो है हमारा पेज भी बिल्डर लग चुका है, लेकिन सभी जो इमेज है वो सेम ही है क्योंकि सभी का इंडेक्स 0 है। अगर हम 1 कर दें इसका मतलब इमेज तो लग जाएंगी सभी, लेकिन वो इंडेक्स उसका 1 होगा। ठीक है, अभी ये अनलिमिटेड है, मतलब हम इसे स्क्रॉल कर देंगे होता चला जाएगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लिमिटेड ही चीज़ें उसमें आए, जैसे लिस्ट में जो है पेज भी बिल्डर में सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, तो यहाँ से हम इसका आइटम काउंट दे सकते हैं, आइटम काउंट 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 4 आइटम ही हमारा शो करेगा। ठीक है, अब जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स क्या काम करता है, ये इसकी पोजीशन को बताता है कि जो हमारा पेज व्यू बिल्डर में कौन से पोजीशन वाला हमारा स्क्रीन चल रहा है। ठीक है, अगर मैं फूड लिस्ट में जो है इंडेक्स को दे दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली हर इंडेक्स को वही इंडेक्स उठाएगा जो मुझे चाहिए। इस तरह से आप देखोगे तो अब सभी इंडेक्स पर सभी अलग अलग इमेज हमारी आएगी, फोर्थ इंडेक्स, थर्ड, इस तरह से ये आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पेज व्यू बिल्डर कैसा काम करता है। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारा इमेज है उसका साइज अलग अलग है, तो उसके साइज को फिर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पेज व्यू बिल्डर है इसे मैप कर देते हैं साइज बॉक्स के अंदर, और इसकी एक हम पर्टिकुलर हाइट देते हैं, हाइट देता हूँ 2 16। और इमेज नेटवर्क के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी हम हाइट दे सकते हैं, इसकी हाइट दे देंगे यहाँ से 260। ठीक है, और फिट कर देंगे, फिट अभी होता है फिट बॉक्स, बॉक्स फिट डॉट कवर। ठीक है, आप देखोगे कि जो इसका साइज है वो सभी का साइज एकदम सेम हो जाएगा। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका कॉर्नर से राउंड शो करना है, तो उसके लिए हम इमेज डॉट नेटवर्क को वैप कर देते हैं दूसरे विजिट से, उसका नाम होता है क्लिप आर आर रिएक्ट, क्लिप आर आर रिएक्ट। और ये क्या काम करता है, ये हमारा बॉर्डर रेडियस लेता है, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर उसके हम दे देंगे 20, तो इसका ये क्या करेगा जो कॉर्नर है वो राउंड कर देगा इस तरह से। ठीक है, इसकी मैं अगर 60 कर देता तो आप देख सकते हैं कि इसका कॉर्नर रेडियस इस तरह से चेंज कर देगा। ठीक है, फिलहाल हम जो है 30 रख लेते हैं, 30 हमारा। ठीक है, अभी हमारा जो है लास्ट काम और बचा है जो कि हमें नीचे इंडिकेटर दिखाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम कि जो हमारा ये था पेज व्यू बिल्डर साइज वर्क के अंदर, ये पूरा विजिट जो है हम यहाँ से हटा लेते हैं, और इसमें क्या होगा हमें कॉलम लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 एलिमेंट लेने हैं। ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, इस तरह से होता है, पर ये साइज बॉक्स हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस पूरे को मैं ले लेता हूँ, पर अभी सेंटर की जगह मैं क्या लेता हूँ, सेंटर हटा के कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम। और कॉलम क्या काम करता है, 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को जो है वो कॉलम वाइज फिट कर देता है। ये तो इसमें मैं 2 चीज़ रखता हूँ, ये कॉलम, ये नीचे रख देता हूँ साइज बॉक्स हाइट, तो इसको से मैं दिखा सकता हूँ। अब आप देखोगे कि मैंने सेम जो हमारा पेज व्यू था उसे 2 बार चला लिया, ऊपर वाला अलग है
और ये नीचे वाला जो है हमारा अलग है, ठीक है। तो नीचे वाले को हमें इंडिकेटर दिखाना, तो उसके लिए जो हमारा इसके अंदर है पेज व्यू बिल्डर के अंदर जो रिटर्न हो रहा है उस समय ये इमेज वाला पार्ट से हटा के अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ कंटेनर हाइट 20 विड्थ 20 और इसका कलर ले लेता हूँ कलर कलर और डीप पर्पल ले लेता हूँ। तो आप अब देखोगे तो इस तरह से हमारा दिखाई। तो अब आप यहाँ देखोगे जो हमारा ये भी है, ये भी जो है हमारा बन चुका है पेज व्यू बिल्डर, लेकिन इसे हम चेंज कर देंगे लिस्ट व्यू बिल्डर में। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या चेंज करता है आप देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इसे लिस्ट व्यू बिल्डर कर देता हूँ रन करता हूँ तो इस तरह से लिस्ट बना देता है। अभी ये क्या वर्टिकल लिस्ट है, हमें हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनाना है, तो यहाँ प्रॉपर्टी दे देंगे स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। आप देखोगे अब ये है हमारे इस तरह से बना दे, ठीक है। अभी इसकी हाइट 260 है, इसकी हाइट में कर देता हूँ 30। तो आप देखो इस तरह से हमारा जो है ये बना देगा, इस तरह से बना देगा, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है कि सेंटर में लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ भी सेट कर देंगे। विड्थ अगर मैं इसकी देखता हूँ दोस्तों तो ये इस तरह से हमारा इसे बना देगा। अब इसे हमें लेना है 260, ठीक रहेगा क्योंकि ये कंटेनर अभी गायब हो गया, ठीक है। इसका जो हमें राउंड करना है, राउंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे डेकोरेशन दे देते हैं डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन और यहाँ से दे देते हैं हम शेप बॉक्स शेप डॉप सर्कुलर, ठीक है। तो इस तरह से अगर दे देंगे तो सर्कुलर बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या है बॉक्स डॉट सर्कल, अभी ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जब भी हम बॉक्स डेकोरेशन देते हैं तो कलर बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही हम देते हैं, इसलिए इस एरर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी ये हमारा स्क्रॉल हो, इससे पहले क्या करते हैं ऊपर हम साइज बॉक्स देते हैं क्योंकि सबसे ऊपर हमें थोड़ा स्पेस अगर रखना है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं साइज बॉक्स और साइज बॉक्स दे देते हैं 60 का, तो ऊपर जो है हमारा स्पेस बन जाएगा, ठीक। अब हम चाहते हैं कि जौन सा ये स्क्रॉल हो वो इंडेक्स में पता चलता रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू चेंजेबल है हमें नोटिस करनी है वो हम वेरिएबल में ले लेंगे। वेरिएबल का टाइप है इन, इनका मतलब इंटीजर, ठीक है। माई स्लाइड इंडेक्स, ठीक है, इसे फिलहाल जीरो रख देते हैं, यानी कि इसका फिलहाल जो वैल्यू है जीरो है। और जब हम इसमें चेंज होगा ये तो उसकी इंडेक्स चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा साइज बॉक्स है और जो हमारा पेज व्यू बिल्डर है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ऑन चेंज, यानी कि जब भी हमारी वैल्यू चेंज होगी या जो हमारा स्लाइडर मूव होगा या पेज स्क्रॉल होगा तो वो उसकी वैल्यू यहाँ से वो देता है, तो इसकी वैल्यू होती है वैल्यू, ठीक है। और वो हम वैल्यू असाइन कर देते हैं अपने इस तरह से वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई चेंज करते हैं और हमें स्क्रीन पर वो चेंज शो करना होता है तो उसके लिए हम सेट स्टेट मेथड यूज करते हैं। सेट स्टेट का काम क्या होता है कि जब भी कोई वेरिएबल चेंज होता है तो उसका इंडेक्स चेंज करने साथ साथ उस जो हमारा डिस्प्ले है उसे रिफ्रेश करता है, यानी कि दोबारा से पूरा स्क्रीन को वो जनरेट कर देता है और यहाँ पर स्लाइड इंडेक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दे सकते हैं जो हमारा कलर था डीप पर्पल, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे अगर जो इसका इंडेक्स कौन सा है, जो हमारे लिस्ट व्यू बिल्डर के इंडेक्स आ रहा है, तो अगर उसका इंडेक्स इक्वल हो जाएगा इक्वल टू माई स्लाइड इंडेक्स, इसका मतलब ये है कि अब वो जो है सिंक हो चुका है कि जैसे वो उसका इंडेक्स चेंज होगा वही इंडेक्स यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर पर्पल अदरवाइज का कलर हो जाएगा डॉट ग्रे। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी। आप अब देखोगे अब जो है ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसी तरह से हम फ्लैटर का
डे बाय डे वीडियो बना रहे हैं और ये 10th वीडियो, इससे पहले 9 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी डिफिकल्ट लगी हो तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखें ताकि उन्हें आप धीरे धीरे समझोगे, तो अब आप समझ पाओगे यहाँ तक किस तरह से पहुँचा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डे बाई डे हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपका जो लेवल है वो धीरे 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 इंक्रीज होता चल जाए और एंड ऑफ द डे आप बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म को समझ पाए।